अस्सलाम वालेकुम, दुनिया न्यूज में खुश आमदी। सबसे पहले दुनिया हेडलाइन। भत्ताखोरी और स्ट्रीट क्राइम से अहले कराची की नींदें हराम। 3 माह में भत्ताखोरी के 95 वाकयात जिला शर्की बारी ले गया। ब्यारी के इर्द गिर्द नाकाबंदी का फैसला। शहर कायद की सनतों को आज से 2 दिन के लिए मरहलावार गैस बंद होगी। कल से CNG भी नहीं मिलेगी। पाकिस्तान ने महंगाई में भी सबको पीछे छोड़ दिया, आवाम ही कसूरवार ठहरे। और कोई काम है नहीं, बच्चे ही पैदा हो रहे हैं। क्या हम कर पाए और जो नहीं कर पाए उसको करने के लिए अगला टेन्योर क्यों जरूरी है? स्विस हुकाम को खत लिखना गैर आइनी और गद्दारी है। सजाए मौत से बेहतर है तौहीन अदालत की सजा भुगत लूं, वजीर आजम डट गए। तामील किसी हुक्म अदालत की करें क्यों? ऐसा न किया था, न किया है, न करेंगे। सियासी चालें शेर व शायरी का हुस्न बन गई। लाहौर में सालाना मुशायरे से तलबा खुश। हमारी दुआ सलाम नहीं तो मेरे पास हुसैन हकानी के टेलीफोन नंबर और ईमेल एड्रेस कैसे आया? मंसूर एजाज का सवाल। मेमो के गुब्बारे से हवा निकल गई है, हुसैन हकानी का जवाब। इस्लामाबाद के इलाके I-9 में पुलिस का छापा। कलदम तंजीम हिजब तहरीर के 25 से जायद अरकान गिरफ्तार। लाहौर में जालिम शख्स ने जायदाद के तनाजे पर बीवी और भांजी को जंजीरों में जकड़ दिया। 1 साल बाद पुलिस ने बाजियाब करवा कर मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। फतह जंग में न्यू बेनजीर भुट्टो एयरपोर्ट के रनवे का इफ्तिताह कर दिया गया। पहली आजमाइशी परवाज की कामयाब लैंडिंग। पाकिस्तान श्रीलंका को शिकस्त देकर एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। मिसबाह हक और उमर अकमल की शानदार बैटिंग, एजाज टीम मैन ऑफ द मैच करार। और कराची में हमारा कराची फेस्टिवल के तहत रंगारंग म्यूजिकल प्रोग्राम। फनकारों ने सबको झूमने पर मजबूर कर दिया।